6 to 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार प्रणाम दर्शक लोग के जो हमने के देखल पसंद करे लें जो स्टार लोग से जुड़ल रहे लें जो भोजपुरी के बिहार से जुड़ल रहे लें वो लोग खातिर एगो हम खास सूचना लेके आई बनी कि आज से हमारे एगो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहल बा जेका नाम बाटे अफवाहों का सच। रउआ सब देखत होकेम कि पूरा दिन स्टार लोग से जुड़ल उनकर जिंदगी से जुड़ल प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ल कई सारा खबर दिन भर चैनल पर देखत होकेम कई तरह के चैनल बा तो जे भी खबर रउआ सब देखी ले अगर ओपर यकीन ना हो पाओ चाहे अफवाह लागे तो हमने के रउआ लोग मैसेज कर सकेले कमेंट बॉक्स के जरिए। हमारे प्रोग्राम का नीचे कमेंट बॉक्स के ऑप्शन आउट होगी उनमें रउआ लोग अपन अपन राय चाहे सुझाव चाहे प्रश्न पूछ सकेले हम अगले एपिसोड में उ प्रश्न के जवाब रउआ लोग के नाम सहित देम। आज से प्रोग्राम शुरू भइल बाटे यही से आज तक कोई मैसेज नहीं है कैले हुई लेकिन हम चार गो एगो ऐसन अफवाह लेके आयल बनी जे आज पूरा दिन देखे के मिलल हमरा के। तो पहला जे बाटे सवाल उ बाटे कनक पांडे या आम्रपाली से जुड़ल। रउआ लोग के तो पता होबे करी कि निरहुआ एगो फिल्म लेके आ रहल बाड़ी सौगंध में निरहुआ के साथे कनक पांडे जी बाड़ी हीरोइन का लीड रोल का रूप में आम्रपाली वो फिल्म में नहीं थी। तो ये सुने के मिल रहल बा कि कनक पांडे या आम्रपाली में कुछ खटपट भइल बा आपस में कि आम्रपाली के ना ले लें या कनक पांडे के ले लें। तो बता देवल चाहें दर्शक लोग के कि देखिए कुछ मायना में साच हो सकेला कहे कि लोग फिल्म प्रमोशन खातिर के भी एगो जरिया बा कि देखिए जैसे कनक पांडे या आम्रपाली के अफवाह उड़ी वैसे वैसे लोग सुर्खी बटोरत रही नाम रही तो फिल्मों हिट हो जाई। तो फिल्म रिलीज होके वाला बा ट्रेलर आज रिलीज होके के बाद भइल रहलक हँ तो ई कोनो अफवाह नहीं के ई रउआ सब कह सकेले पब्लिसिटी स्टंट बाटे। तो ई येलो जर्नलिज्म द्वारा क्रिएट कइल जाला। आ दूसर अगर बात कइल जाओ दूसर अफवाह हमरा के ई देखे के मिलल कि खेसारी अक्षरा से मिलल बाड़े पटना के एयरपोर्ट पर। तो जानकारी दे दी एक तो खबरों के जरिए भी हम बता देले बानी लेकिन सुने में आ रहा बा कि अब ई बात सच बा कुछ लोग इहो कह तारे कि बात सच बा लेकिन लोग के दर्शक लोग के बता देवे चाहें कि खबर कहीं से सच नहीं की काहे कि पटना एयरपोर्ट पर आ चाहे जे भी प्लेन के अंदर के फोटो वह सब देख चुकल बनी वो बहुत पुराना फोटो बाटे 2016 के फोटो बाटे वो प्लेन के जब दोनों लोग में सब कुछ ठीक रहे वो घरिया के। तो एक कोई मायने में सच नहीं के खबर। आ तीसरा खबर जो ले आई बनी वो बाटे काजल खेसारी से ज़्यादा पवन के पसंद करेली ऐसा खबर सुने के मिलल तो इहो सच नहीं खे। आ इहो नहीं खे कि पवन के ना पसंद करस खेसारी के पसंद करे। देखी हो स्टार लोग में ऐसा हो जाला न कि साथ में काम करत करत सब कोई अच्छा लगेला सब कोई दोस्त बन जाला। अब वो कैसे कहस अब दोनों उजाना के साथे काजल काम कर चुकल बाड़ी अब खेसारी के अच्छा कहियन तो पवन नाराज हो जाइयन पवन के अच्छा कहियन तो खेसारी नाराज हो जाइयन। तो दोनों में से एक के चुनल चुने के स्थिति बहुत बेकार बा रउआ सब कह सकेले। दोनों लोग बराबर बा कहे कि हो सकेला कि अभी खेसारी के साथ काम करो तारी तो कुछ दिन में पवन के साथ दिखाई दे दीहन तो यही खातिर ओहो कह चुकल बाड़ी अपन इंटरव्यू में कि खेसारी चाहे पवन में से कोई ना हमरा के सब स्टार लोग पसंद बा जे जे के साथ दर्शक लोग हमरा के पसंद करी हैं उस सब हमरा के पसंद बा। तीसर चौथा खबर जे हम सुन ली उ बने कि खेसारी पवन के मजाक उड़ौले बाड़न। जब ये बता दी जानकारी देवल चाहें कि हमने के तरफ से ही खबर हमने के चैनल के तरफ से ही खबर गल बटे ये खबर में सच्चाई बा। पवन हाल ही में कोनो स्टेज शो कैले बड़े अगर वीडियो हम देखनी कुछ दिन पहले तो उमे हम देखनी कि आप ये ना कि पवन के गाना के अपनो गाने के काफ़ी सारा बोलने कि जेकर तुक ना होखे वो गाना और लोग सुपरहिट हो जाला काहे कि हमार जे गाना रहे कि सलाई रिंच से चोली खोले एक तो पॉसिबल बढ़ले ही नहीं केहू सलाई रिंच से चोली ना खोल सकेला। तो एकर कोनो तुक ना भइल दर्शक लोग के बहुत पसंद आ गए। पवन सिंह के राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया इसका भी कोई तुक नहीं है खेसारी ऐसा बोलन कि तब वो ये सबसे सुपरहिट हो गए। तो खेसारी के मायना ई ना रहे कि पवन के ठेस पहुँचावल चाहे पवन के इंसल्ट करल वो सीधे तौर पर दर्शक लोग के ई बतावल चाहत रहलन कि मने देखी दोनों गाना के सुन तो लेने लोग लेकिन दोनों गाना के अगर मतलब रउआ लोग जानेम तो कुछ ना हाथ लगी मने
ए गाना के कुछ मतलब नहीं खे, घुमा फिरा के एक एक गो जगह आई बाटे बजाक, ये दोनों एक दूसरा के ना उड़ा सके ले, कहीं कि देखें एक तो पवन खेसारी से सीनियर बने, खेसारी पवन के अपन भैया मान लें बड़ भैया, तो ये ना हो सकेला। खेसारी या पवन से जुड़ल तमाम खबर आवेला, लेकिन उ सबो अफवाह बा। तो ई बाटे अफवाह के, आज केहू मैसेज नहीं के कहले, यही से हम अपना तरफ से बतावले बानी। लेकिन अगर रउआ लोग ऐसा ही कुछ खबर के जाने के चाहतनी तो हमारे प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स के जरिए रउआ लोग बता सकेले, हम अगले एपिसोड में रउआ सबके जरूर बताएं वो अफवाह के सच, वो खबर के पीछे के सच। अपन नाम जरूर लिख देम लोग, कहे कि हम अनाउंस करें जे जे भी खबर रउआ लोग पूरा दिन देखे ले, कैसन खबर खबर देखे ले, ओकर पीछे के का सच बाटे, ये सब हम रउआ के बताएं। अगला बार फिर हुई मुलाकात, लेकिन अलग अलग लोग का साथ है, अलग अलग लोग का मैसेज का साथ है, जे खबर बाटे ओकरा साथ है। तब तक खाते दे ही इजाजत, प्रणाम। भोजपुरी फिल्म जगत की खूबसूरत अभिनेत्री कनक पांडे ने जुगले स्टार दिनेशला यादव निरहुआ के साथ सौगंध खाने की सोच ली है। ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, लेकिन सोचने की कोई बात नहीं, दरअसल ये मामला उनकी आने वाली फिल्म सौगंध का है। हाल ही में इस फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया है, जारी के साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इस फिल्म के मुख्य अभिनेत्री कनक पांडे हैं, वही इनकी जोड़ी जुबले स्टार दिनेशलाल यादव निरहुआ के साथ बनाई गई है। ये दोनों जोड़ी पहली बार एक साथ काम कर रही हैं। पूर्वांचल टॉकीज के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता विकास कुमार व निर्देशक विशाल वर्मा है। फिल्म को लेकर अभिनेत्री कहती है कि तकनीकी रूप से फिल्म काफी मजबूत है, फिल्म के कंटेंट काफी अच्छे हैं जो बन रही आम सभी फिल्मों से अलग है। और बात की जाए निरहुआ जी की, तो इनके साथ काम करके काफी अच्छा लगा और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहरहाल फिल्म को लेकर कनक अत्यधिक उत्साहित थे। फिल्म का प्रदर्शन होली के शुभ अवसर पर किया जाएगा, ऐसी आशा की जा रही है कि इन दोनों फ्रेश जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करेंगे। बकौल उनकी एक और फिल्म बागी इश्क रिलीज होने को तैयार है। भोजपुरी के सुपरहिट जोड़ी खेसारी और काजल अभी फिल्म और स्टेज शो के सिलसिले में बिहार पहुंचे हुए हैं। प्लेन से जाते समय हमेशा स्टारों को पटना एयरपोर्ट पर ही उतरना पड़ता है। इसी सिलसिले को लेकर एक खबर आई कि पटना एयरपोर्ट पे खेसारी अक्षरा से मिले हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि खेसारी और अक्षरा की मनमुटाव की खबरें जग जाहिर है। ऐसे में दोनों का मिलना दर्शकों के लिए तो बड़ा दिलचस्प है ही, क्योंकि इस विवाद के बाद सभी ने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन अब दोनों साथ में नजर नहीं आएंगे। इसी बीच अगर अब अचानक से ये खबर आ जाती है कि दोनों मिले हैं, तो जाहिर सी बात है लोग इस तरह की खबरों को देखना जरूर पसंद करेंगे। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेशक से ये खबर और फोटो बहुत वायरल हो रही हो, लेकिन ये फोटो है बहुत पुरानी। जी हाँ, इस फोटो को एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और ये उस दौरान की फोटो है जब खेसारी और अक्षरा में सब कुछ ठीक चल रहा था। भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ी खेसारी और काजल की है, इस पे कोई शक की बात नहीं है। दोनों ने कई सारी फिल्में एक साथ की हैं और जितनी भी की हैं उन फिल्मों को दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह दी है और कमाई के मामले में इस जोड़ी ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि हमेशा ये सवाल उठते आए हैं कि काजल को खेसारी से ज्यादा पवन सिंह पसंद है। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों ऐसे सवाल बार बार उठते हैं। दरअसल जब भी आप काजल की सोशल मीडिया पर प्रोफाइल वॉच करेंगे तो आप देख पाएंगे कि काजल पवन की फिल्मों को ज्यादा शेयर करती हैं, पवन के साथ अपनी फोटो भी शेयर करती हैं। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए बता दें काजल सिर्फ पवन को पसंद करती हैं, ये बात किसी मायने में सच नहीं लगती, क्योंकि काजल ने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं हीरो में सभी को पसंद करती हूँ, मेरे लिए सभी खास हैं और मुझे वो लोग ज्यादा पसंद है जिनके साथ मेरी जोड़ी दर्शकों द्वारा पसंद की जाती है। तो काजल को सिर्फ खेसारी ही नहीं या पवन ही नहीं बल्कि सारे हीरोज पसंद है। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी काफी सारी फिल्मों के साथ साथ अपने स्टेज शो के लिए भी खासा व्यस्त हैं। इसका एक कारण है कि फिल्मों में डबल खेसारी को स्टेज शो से खूब फायदा हो रहा है। इन्हें स्टेज शो में से एक शो का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खेसारी ने अपने गाने का मजाक तो बनाया ही है, साथ ही उन्होंने पवन सिंह का गाना राते दिया बुताके को भी नहीं छोड़ा। दरअसल खेसारी ने स्टेज पर कहा कि इस दुनिया में जिसका कोई तुक नहीं होता वही सुपरहिट होता है। आज तक आपने कभी सलाई रिंच से चोली खुलते हुए देखा है? नहीं ना, लेकिन बताइए मैंने सलाई रिंच से चोली खोल दिया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। साथ ही खेसारी ने बोला कि एगो तत्काले गाना बहुत बड़ा हिट भइल बाटे, हम ओकरा पर भी विचार कइनी आ गाना बाटे राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ए गाना के अर्थ पर अगर विचार करें लोग
तो दुनिया में जे बात से कोई तुक ना होके उहे सुपर हिट हो जाला। वेल खेसारी जी, कहीं इस गाने की चर्चा छेड़ कर आप पवन सिंह को याद तो नहीं कर रहे? क्योंकि पवन सिंह का राते दिया बुता के तो बहुत बड़ा हिट हो चुका है, जिसका तुक बेशक से कुछ ना हो, लेकिन पवन सिंह की आवाज के लोग अभी भी कायल हैं।